जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के धनु राशि फल के बारे में, और जानेंगे धनु राशि से संबंधित लोगों के ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा, कौन ग्रह किस भाव में होगा और कैसा फल देगा। इनके प्रभाव से आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कब क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करना होगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, अक्टूबर महीने में 5 मुख्य ग्रह सक्रिय अवस्था में होंगे और यह पूरा ही महीना त्योहारों का होगा। इस महीने में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन जैसे मुख्य त्योहार आएंगे। महीने के मध्य में मंगलदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर कर आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव बुध की राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर कर आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। 18 अक्टूबर को शुक्रदेव बुध की राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर कर एकादश भाव में विराजमान होंगे। 23 अक्टूबर को मुख्य ग्रह शनिदेव यानी कर्म फलदाता शनिदेव अपनी ही राशि मकर में सीधी चाल से चलने लगेंगे यानी मार्गी अवस्था में होंगे और आपके धन भाव में सक्रिय अवस्था में होंगे। 26 अक्टूबर को बुधदेव अपनी राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर कर एकादश भाव में विराजमान होंगे। तो यहां महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की युति होगी जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य और बुध की युति होगी जिससे बुद्धादित्य राजयोग बनेगा और यह आपके दशम भाव में बनेगा जो कि आपके कैरियर और व्यवसाय का भाव है। और महीने के मध्य के बाद फिर आपके एकादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ होंगे, तो ऐसे में आपको लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि आपके लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग, बुद्धादित्य योग दोनों ही योग महत्वपूर्ण योग हैं, इनका निर्माण होगा तो समय आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगा। और यहां इस महीने में शनिदेव आपके धन भाव, कुटुंब भाव में सीधी चाल से चलने लगेंगे। जब कोई ग्रह सीधी चाल से चलता है तो परिणाम भी सीधे देता है क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा कष्टकारी होता है और जब वक्री ग्रह मार्गी अवस्था में आता है तो बहुत शुभ परिणाम देने का कार्य करता है। तो इस महीने में द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में शनिदेव स्थित रहेंगे जिनकी वजह से धनु राशि के लोगों को इस अवधि में अपने परिवार के सदस्यों में किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना रहेगी। परिवार से संपत्ति का लाभ मिलने के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, शुक्र और बुध आपके आय भाव में गोचर करेंगे जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर लाभ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। विशेषकर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय काफी अनुकूल होगा। इस दौरान जो जमीन संपत्ति से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। हालांकि आपको इस दौरान अति आत्मविश्वास से बचना होगा। कहीं भी निवेश करने या कोई आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा। इस महीने आपको अपने पिता से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के योग बनेंगे। समय आपके लिए काफी अनुकूल होगा और पारिवारिक लिहाज से भी यह महीना आपके लिए काफी अच्छा होगा। इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव के स्वामी शनि अपनी स्वराशि मकर में आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे जिसकी वजह से आपको अपने परिवार का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी होगी।
साथ ही इस दौरान परिवार में लंबे समय से चले आ रहे वाद विवाद खत्म होंगे। आपस में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके बीच के रिश्ते और भी मधुर होंगे। महीने के पूर्वार्ध में आपके दशम भाव में सूर्य बुध और शुक्र की युति होगी, जिसकी वजह से परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इस दौरान मेहमानों का आवागमन होगा, घर में सकारात्मक माहौल होगा। साथ ही आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। पिता के साथ साथ ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होने के योग बनेंगे। और महीने के पूर्वार्ध में आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में सूर्य शुक्र और बुध की युति होगी, जिसकी वजह से करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशेवर लोगों के लिए यह समय काफी अनुकूल साबित होगा, पदोन्नति के योग बनेंगे। जो लोग लंबे समय से नई और अच्छी नौकरी की तलाश करने में जुटे हैं या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल होगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य शुक्र और बुध आपके आय भाव यानी कि 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। करियर में नई ऊंचाइयां आप छुएंगे। इसके अलावा आपके चौथे भाव यानी कि सुख और माता के भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे। यहां से वो आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी पदोन्नति मिलने के योग बनेंगे। साथ ही छात्रों के लिए यह समय काफी अनुकूल साबित होगा। बुद्धादित्य योग आपके करियर और व्यवसाय के भाव में है और महीने के अंत में यही योग आपके एकादश भाव में होगा, तो यह समय छात्रों को ज्ञान में वृद्धि देने वाला होगा। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और कामयाबी प्राप्त करेंगे। धनुराशि के जो लोग प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, उनके लिए महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा होगा। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम संबंध के भाव में राहु स्थित होगा और ग्रहों की इस स्थिति की वजह से आपका आपके साथी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। साथ ही आप दोनों के बीच भ्रम यानी गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, तो ऐसे में आप किसी भी बात पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि आप उसकी सत्यता स्वयं ना जांच लें। वहीं धनुराशि के विवाहित लोगों के लिहाज से देखें तो महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध आपके दशम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। बल्कि धनुराशि के लोगों को ना सिर्फ निजी जीवन में बल्कि व्यवसायिक जीवन में भी अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और इस दौरान जीवन साथी की सहायता से आय में भी आपको अच्छी वृद्धि होगी। महीने के पूर्वार्ध में आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव में मंगल स्थित रहेगा, जिसकी वजह से चोट लगने के योग बनेंगे, तो इस दौरान वाहन चलाते समय या सड़क को पार करते समय थोड़ा सा सावधान रहें और अपने ऊपर नकारात्मक विचार हावी ना होने दें, क्योंकि यह परिस्थिति समय के साथ खुद पे खुद सुधरती नजर आएगी। परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक